हमारी ये खुशी बाप दादा का एक खजाना है, वरदान है, तो ऐसी खुशी को अब कभी भी हम कोई बातों से या कोई परिस्थिति से या कोई भी व्यक्तियों से हमारी ये चोरी न हो जाए, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि ये भी एक देखा है कि जब कोई ऐसी बातें आती है तो उस समय खुशी भूल जाती है कि हम ऐसे बाप के बच्चे हैं जो बाबा हमको कहते हैं तुम सदा चेहरे की खुशनुमा चेहरा रखो। तो ऐसे को अगर हमारी कोई चोरी करे किस भी बात से, तो हमको अपने ऊपर पूरी संभाल करनी है। और ये चीज हम वैसे भी कहते हैं सब कुछ होवे परंतु खुशी न हुई तो जैसे कुछ नहीं, ऐसे कहते हैं ना भाई, खुशी कभी नहीं गायब होनी चाहिए। भले और कुछ चीजें नहीं भी होए वो तो चल जाए, लेकिन खुशी न हुई तो जीवन क्या हुई, बेकार है। तो अभी हमको ये ध्यान रखना है अपने ऊपर। तो बाबा ने तो हमको खुशी का खजाना दिया है और खुशी हमारी खुराक भी है। कहा जाता है ना खुशी जैसी खुराक नहीं, तो ये तो आत्मा की निजी खुराक है, खजाना है जो हमें बाप ने दिया है। परंतु अगर हम संभालेंगे नहीं तो माया तो किस न किस रूप से आती भी है। तो इसलिए माया से हम सेफ रहे, ये हमारी चोरी न करे, ये ध्यान रखने से हम सदा खुशनुमा रहेंगे, हमारा चेहरे में। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि चेहरे और चलन से आपकी सेवा होंगी। और अभी है भी ऐसा, बाबा कहते हैं सदा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना भी हमारा और आत्माओं के लिए सेवा का साधन है। जैसे कहीं ऐसी भी परिस्थितियां आती है, कोई शरीर छोड़ती है तो भी दुख के आंसू आते हैं या अंदर से वो खुशी नहीं रहती है, लेकिन बाबा ने हमको कहा है कि इसमें भी आपको दुख नहीं करना है। और माताओं के आगे तो कौन सा पेपर आता है, मोह का ही पेपर आता है, वो पता भी तब लगता है जब कोई परिस्थिति आती है। वैसे तो कहेंगे हमारे में तो कोई है ही नहीं वो, हमारा तो इसमें मोह नहीं है, लेकिन देखा ऐसे गया है कि मोह का पता तब लगता है जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है। कोई बीमार पड़ जाए, कोई बच्चा बच्ची कोई भी संबंध में, तो भी परिस्थिति ये आने से कई बड़ा दुख का अनुभव करते है। तो उस समय खुशी कहाँ गई, खुशी तो चोरी हो गई। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि हम अपने खुशी रूपी खजाने को, खुशी रूपी खुराक को कभी भी न छोड़े। और यही हमारे ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एक लक्षण है।